नमस्कार दोस्तों, आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक ऐसी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में जो इंडियन होम्योपैथिक ड्रग है, जो इंडिया में पाई जाती है। दोस्तों, इसका नाम है हरित मंजरी और इसकी बहुत ही ज़्यादा उपयोग होम्योपैथी में किया जाता है। यदि आप लोगों को ट्यूबरक्लोसिस हो गया है, आपको आपकी खांसी में जो है वो खून आ रहा है, आपके दस्त में जो है वो खून आ रहा है, या फिर आपको इस टाइप की बीमारी हो गई है जिसमें कि आपकी जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो डिस्ट्रक्शन हो रहा है, वो टूट रही है शरीर में, और भी काफ़ी सारी इस बातें जो है इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो ऐसे ही बने रहे, वीडियो को लास्ट तक देखना ना बोले दोस्तों। ये जो मेडिसिन है एकेलिफा इंडिका, ये प्लांट किंगडम की मेडिसिन है जिसको हिंदी में हम जो है हरित मंजरी के नाम से जानते हैं। दोस्तों, यदि हम देखें कि ये शरीर में जाके किस ऑर्गन पे काम करती है, तो ये फेफड़ों पर, पेट पर और स्किन पर, इन तीन चीज़ों पर बहुत अच्छे से काम करती है। सबसे पहले हम देख लेते हैं फेफड़ों पर। दोस्तों, ऐसे पेशेंट जिनको जो है काफ़ी खांसी बनी रहती है और बहुत पुरानी खांसी है, और उसके साथ में ड्राइनेस है, मतलब सूखी खांसी उनको हो रही है और काफ़ी लंबे समय से हो रही है। अब ड्राइनेस के कारण जो है आपको जब खांसी आती है, तो उस खांसी में जो है, उस बलगम में जो है खून भी निकलता है, तो आपको खांसी के साथ में कफ में आपका जो स्पुटा आ रहा है, बलगम आ रहा है, उसमें खून यदि आपको देखने को मिले, तो एकेलिफा इंडिका का मदर टिंचर आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है। इसी के साथ में यदि रेस्पिरेटरी की ही हम सिम्टम्स की बात करें, तो यदि आपको खांसी जो है सुबह सुबह बढ़ जाती है और सुबह सुबह आपको बहुत ज़्यादा वीकनेस लगती है, और वीकनेस के कारण जो है आप जब खांसते हैं तो खांसने में बहुत ज़्यादा ताकत लगाने के कारण चेस्ट में भी पेन होने लगता है, छाती में पेन होने लगता है, और जब आप सुबह सुबह कफ निकालते हैं, बलगम निकालते हैं, तो उसमें जो खून होता है वो बिल्कुल लाल कलर का खून होता है, और ये खांसी दिन भर धीरे धीरे कम होती है और शाम के समय फिर से ये बढ़ने लगती है, और शाम को जब आप खांसते हैं और जब बलगम आपका आता है, तो उसमें जो खून है वो क्लॉटेड आता है, मतलब थक्केदार खून बलगम में निकलता है। और इस टाइप के यदि आपको लक्षण है, तो आपको आपके लिए एकेलिफा इंडिका बहुत अच्छी दवाई साबित हो सकती है। इन टाइप के जो पेशेंट होते हैं, उनको रात के समय बहुत ज़्यादा खांसी आती है और सूखी खांसी आती है, इस टाइप के लक्षण के लिए भी ये मेडिसिन बहुत ही अच्छा साबित हो सकती है। दोस्तों, रेस्पिरेटरी ऑर्गन की बात करूँ, तो जो ट्यूबरक्लोसिस होता है, जो टीबी की बीमारी होती है, वो बीमारी के लिए भी बहुत अच्छी दवाई ये साबित होती है, क्योंकि इसमें जो है आपको बहुत ज़्यादा खांसी के साथ में खून वाला जो आपको सिम्टम देखने को मिल रहा है, जो ट्यूबरक्लोसिस पे भी ये काम बहुत अच्छे से करती है। इसी के साथ में यदि हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें, पेट की बात करें, तो आपको जो है लूज मोशन, दस्त बार बार लगे रहते हैं, और दस्त किस टाइप के होते हैं, आपको पेट में जो है दर्द होता है और अकड़न होती है, जिसको हम मरोड़ बोलते हैं, पेट में मरोड़ होगी और पेट में से आवाज आएगी, गुड़गुड़ की आवाज़ यदि आपको पेट में से आ रही है, और जब आप मल त्याग करने जाते हैं तो मल जो है वाटरी आता है, मतलब कि पतले दस्त आपको होते हैं, और दस्त के साथ में आपको हवा पास होती है ना, गैस पास होती है, तो उस टाइप के लक्षण के लिए भी ये दवाई बहुत अच्छी है। इसी के साथ में यदि आपको बार बार दस्त हो रहे हैं और गैस निकल रही है दस्त के साथ में, और उसके साथ में यदि आपको आव आ रही है ना, मतलब डिसेंट्री आपको हो रही है, और उसके साथ में खून भी निकल रहा है, दस्त के साथ में खून निकल रहा है, चाहे वो पाइल्स के कारण निकल रहा हो या कोई अलग परेशानी के कारण निकल रहा हो, आपको गैस्ट्रिक कोलाइटिस हो सकता है, आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकता है, या रेक्टम में कोई इन्फेक्शन हो सकता है, उस कारण से यदि आपको खून निकल रहा है, तो ये दवाई बहुत अच्छी साबित हो सकती है। दोस्तों, अब हम बात करें स्किन की, तो स्किन में स्पेशली दोस्तों जॉन्डिस के पेशेंट पे ये बहुत अच्छा काम करती है। और यदि हम ब्लड की बात करें, रक्त की बात करें, तो ऐसी सारी बीमारियां जिसमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं, आरबीसी है, वो बहुत जल्दी, बहुत तेजी से जो है वो फटने लगे आपके शरीर में, और फटने के कारण जो है आपको वीकनेस हो जाए, आपके शरीर में हीमोग्लोबिन सडनली लॉस हो जाए, बहुत कम हो जाए हीमोग्लोबिन, जिसके कारण आपको जो है इंटरनल हेमरेज जैसी कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तो एकेलिफा इंडिका बहुत अच्छी दवाई आपको साबित हो सकती है। आगे यदि हम बात करें, तो जो पेट की समस्याएं हैं, पेट की समस्या दोस्तों आपको मुंह से लेकर के एनस तक, मल द्वार तक आपको जलन बनी हुई रहती है, और आपकी जो उल्टी होती है वो उल्टी में खून आने लगता है, और सुबह सुबह ये खून जो है वो रेड कलर का होता है, और यदि रात को या शाम के समय आपको खून की उल्टी हो रही है,
तो आपको लम्स जैसे जो है क्लॉट जैसे आपको थक्के नुमा जो है खून उस उल्टी में भी देखने को मिलेगा। दोस्तों इसी के साथ यदि हम देखें कि आपको बहुत लंबे समय से खांसी बनी हुई है, बहुत ज़्यादा खांसी आती है, सीवियर खांसी आती है, कफ में खून आता है और इसके साथ में जो है आपके लंग्स वीक हो गए हैं जिसके कारण आपको चेस्ट में बहुत पेन रहता है, पेन बना रहता है, उस कंडीशन में भी आप जो है एक्लेफा इंडिका मेडिसिन यूज कर सकते हैं। दोस्तों दोस्तों यदि मैं बात करूं कि जो एक्लेफा इंडिका होती है वो शरीर में किस प्रकार से काम करती है, तो हम ये पाएंगे कि इसमें जो है कुछ एसेंशियल ऑयल्स होते हैं, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं और रेजिन इस प्रकार के होते हैं कि वो हमारे फेफड़ों पर, पेट पर और ब्लड पर, स्किन पर बहुत अच्छा काम करती है। दोस्तों इसके बहुत सारे सिम्टम हैं, यदि आपको डिटेल में दवाई के बारे में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में ब्लॉग की लिंक दी गई है, मेरी वेबसाइट पे जाकर आप इसको पूरी अच्छी तरीके से पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं किन किन बीमारियों पर जो है हम ये दवाई प्रिस्क्राइब कर सकते हैं या ये दवाई ले सकते हैं। दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो होम्योपैथी से रिलेटेड, डिजीज से रिलेटेड या दवाइयों से रिलेटेड यदि आपको कोई भी परेशानी होती है तो उसके लिए आप जो है हमको मेल कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं। और दोस्तों इसी के साथ में जो है हम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं जिससे जो भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिलती चले। दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।